हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। माय नेम इज अनुभव अरनवाल एंड उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम नेटवर्क आर्किटेक्चर के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क आर्किटेक्चर नेटवर्क के लेआउट को रिफर करता है, जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन को कंसिस्ट किए हुए हैं। यह आर्किटेक्चर नेटवर्क इंजीनियर्स एंड अदर डिजाइन इंजीनियर्स के कोऑर्डिनेशन में नेटवर्क मैनेजर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स द्वारा डिजाइन किया जाता है। आइए समझते हैं प्रोटोकॉल। फॉर्मल सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेशन। आइए समझते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। OSI मॉडल हैज बीन अप्लाइड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन ऑफ हेटरोजीनियस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म विद ईच अदर। OSI मॉडल इज एन अब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ लेयर्ड कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क प्रोटोकॉल डिजाइन। द फर्स्ट लेयर इज एप्लीकेशन लेयर। यह लेयर यूजर के क्लोजेस्ट होता है, मतलब OSI एप्लीकेशन लेयर और यूजर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन लेयर। यह लेयर एक प्रेजेंटेशन फॉर्मेट को दूसरे प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में इनकमिंग एंड आउटगोइंग डाटा को कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट लेयर है सेशन लेयर। यह लेयर एप्लीकेशन के ईच एंड पर कनेक्शन एक्सचेंज एंड डायलॉग को सेटअप, कोऑर्डिनेट एंड टर्मिनेट करता है। एंड नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट लेयर। यह लेयर यूजर प्रोसेसेस के मध्य डाटा के रिलायबल और ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर को इंश्योर करता है। यह लेयर मैसेज पैकेट को डिसेंबल एंड असेंबल करता है। नेक्स्ट है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर सोर्स से डेस्टिनेशन तक एक या एक से अधिक नेटवर्क पर वेरिएबल या डाटा सीक्वेंस को फंक्शनल एंड प्रोसीजरल मींस प्रोवाइड करता है व्हाइल मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस रिक्वेस्टेड बाय ट्रांसपोर्ट। एंड नेक्स्ट है डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर रिस्पॉन्ड टू सर्विस रिक्वेस्ट फ्रॉम नेटवर्क लेयर एंड इश्यूज सर्विस रिक्वेस्ट टू द फिजिकल लेयर। एंड लास्ट है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर एक हार्डवेयर लेयर होता है जो डिवाइस और ट्रांसमिशन के बीच मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फीचर्स को स्पेसिफाई करता है। नेक्स्ट है थ्रेड। A threat is anything that can disrupt the operation, functioning, integrity or availability of network or system. These are of various types. First are unstructured threats. They are mostly inexperienced individuals that are originate hota hai, using easily available hacking tools from the internet. Most of these kind of props are done more out of curiosity than with a malicious intent in mind. Example, company's external website is hacked. The company's integrity damaged, even if the external website is separate from the internal information that sits behind a protective firewall. The public does not know that. Next is structured threats. Yeh un individuals se originate hota hai jo highly motivated and technically competent hote hain aur usually network system aur us system ke vulnerabilities ko understand karte hain. Next is external threats. ये उन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन से ओरिजिनेट होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड काम करते हैं, जिसके पास ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क को एक्सेस करने का ऑथराइजेशन नहीं होता है। दे यूजुअली वर्क देयर वे इनटू अ नेटवर्क फ्रॉम अ इंटरनेट और अ डायलॉग सर्वर। नेक्स्ट है इंटरनल थ्रेट्स। ये उन इंडिविजुअल द्वारा ओरिजिनेट होता है जिन्हें नेटवर्क के एक्सेस करने की ऑथराइजेशन होता है। इन यूजर के पास या तो सर्वर पर अकाउंट होता है या नेटवर्क की फिजिकली एक्सेस होता है। एक इंटरनल थ्रेट डिस्काउंटेड या करंट एम्प्लॉइज या कॉन्ट्रैक्टर द्वारा आ सकता है। आइए समझते हैं वल्नरेबिलिटीज। एन इनहेरेंट वीकनेस इन द डिजाइन, कॉन्फ़िगरेशन और इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ नेटवर्क और सिस्टम दैट रेंडर्स इट ससेप्टिबल टू अ थ्रेट। द फॉलोइंग फैक्ट्स आर responsible for occurrence of vulnerabilities in software. First is software bugs. Software bugs are so common that users have developed techniques to work around the consequences, and bugs that make saving
work necessary often or crash the computer every so often are considered to be a normal part of computing. Next is timing windows. These problems may occur when a temporary file is exploited by an intruder. To gain access to the file, overwrite important data and use the file as gateway for advancing further into the system. Next is insecure default configuration. When vendor use known default password to make it as easy as possible for consumers to set up new system. Unfortunately, most intruders knows this password and can gain access to the system effortlessly. And next is bad protocols. Some protocols are the standards by which information is exchanged over the internet. Lack any security at all. Example, unsolicited commercial email, commonly referred to as spam. These are the irritating result of poor protocol programming. And next is trusting untrustworthy information. This is usually a problem that affects routers or those computers that connect one network to another. When routers are not programmed to verify that they are receiving information from a unique host, bogus router can gain access to the system and do damage. And last is end users. Generally, users are not professional and are not always security conscious. Example, when the number of passwords of an user increases, users start writing to them one of the worst places. आइए समझते हैं लेवल ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी प्रोग्राम इन्वॉल्व फॉलोइंग 8 स्टेप्स। फर्स्ट है प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट प्लान फॉर इन्फोर्सिंग सिक्योरिटी। सेकंड है असेट्स आइडेंटिफिकेशन। थर्ड है असेट्स वैल्यूएशन। फोर्थ है थ्रेट्स आइडेंटिफिकेशन, थ्रेट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस असेसमेंट, एक्सपोजर एनालिसिस, कंट्रोल एडजस्टमेंट एंड रिपोर्ट जनरेशन आउटलाइन द लेवल ऑफ सिक्योरिटी टू बी प्रोवाइडेड फॉर इंडिविजुअल सिस्टम इंडिविजुअल। आइए समझते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। NSP जनरली इंप्लीमेंट क्रिप्टोग्राफी एंड इंक्रिप्शन टेक्निक टू सिक्योर द डाटा सो दैट इट कैन ओनली बी डिक्रिप्टेड विद अ स्पेशल एल्गोरिथम। आइए समझते हैं क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी थर्ड पार्टी के प्रेजेंस में एक सिक्योर कम्युनिकेशन की एक प्रैक्टिस या स्टडी ऑफ टेक्निक है। जनरली ये प्रोटोकॉल के कंस्ट्रक्शन एंड एनालिसिस के बारे में है जो एडवर्सरीज के इन्फ्लुएंसेस को ओवरकम करता है और जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में वेरियस एस्पेक्ट से रिलेटेड होता है, सच एज डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन एंड नॉन रिपोर्टेशन। आइए समझते हैं इंक्रिप्शन। प्रोसेस ऑफ इनपुटिंग मैसेज इन सच अ वे दैट ईवस्ड्रॉपर और हैकर्स कैन नॉट रीड। नेक्स्ट है प्लेन टेक्स्ट मैसेज दैट इज टू बी इनक्रिप्टेड। इट इज ट्रांसफर्ड बाय अ फंक्शन दैट इज पैरामीटराइज्ड बाय अ की। नेक्स्ट है साइबर टेक्स्ट आउटपुट ऑफ द इंक्रिप्शन प्रोसेस दैट इज ट्रांसमिटेड ओपन बाय अ मैसेंजर और रेडियो। आइए इंक्रिप्शन के मॉडल को समझते हैं। इंट्रूडर साइबर टेक्स्ट को कंप्लीटली कॉपी डाउन कर सकता है और उसे लिसन कर सकता है। हाउएवर इंटेंडेड रिसिपिएंट की तरह वह साइबर टेक्स्ट को डिकोड नहीं कर सकता। कभी कभी तो इंट्रूडर कम्युनिकेशन चैनल को न सिर्फ लिसन कर सकता है बट मैसेज को रिकॉर्ड और उसे प्लेबैक भी कर सकता है। बाद में उन मैसेज को इंजेक्ट कर सकता है या लेजिटिमेट मैसेज को रिसीवर तक पहुंचने से पहले नोटिफाई कर सकता है। द आर्ट ऑफ ब्रेकिंग साइबर इज नोन एज क्रिप्टेनालिसिस एंड आर्ट ऑफ डिवाइसिंग दे आर कलेक्टिवली नोन एज क्रिप्टोलॉजी। इंक्रिप्शन दो तरीके से किया जा सकता है, हार्डवेयर इंक्रिप्शन एंड सॉफ्टवेयर इंक्रिप्शन। आइए समझते हैं हार्डवेयर इंक्रिप्शन। हार्डवेयर इंक्रिप्शन रीजनेबल कॉस्ट पर अवेलेबल होता है और हाई स्पीड ट्रैफिक को सपोर्ट करता है। अगर इंटरनेट इंफॉर्मेशन को ब्रांच ऑफिस या डेवलपमेंट कोलैबोरेटर के बीच में एक्सचेंज करने के लिए यूज होता है तो उस डिवाइस का यूज इंश्योर करेगा कि सभी ट्रैफिक ऑफिस में सिक्योर। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर इंक्रिप्शन। सॉफ्टवेयर इंक्रिप्शन स्पेसिफिक एप्लीकेशन के कंजक्शन में इंप्लॉयड होता है। एग्जांपल, ईमेल पैकेजेस प्रोवाइड इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन फॉर मैसेज सिक्योरिटी। सम ऑफ द पॉपुलर नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स आर सिक्योर सेल,
सिक्योर सेल नेटवर्क के माध्यम से दूसरे कंप्यूटर में लॉगिन का एक प्रोग्राम होता है जिससे रिमोट मशीन में कमांड को एग्जीक्यूट किया जा सके। यह इन सिक्योर चैनल पर सिक्योर कम्युनिकेशन एंड स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कराता है। सिक्योर सेल अटैक्स सच एज आईपी स्पूफिंग आईपी सोर्स रूटीन से प्रोटेक्ट करता है। जब इंक्रिप्शन इनेबल्ड हो तो एक अटैकर ट्रैफिक को प्लेबैक या हाईजैक नहीं कर सकता। सिक्योर सेल लॉगिन के दौरान इंटायर लॉगिन सेशन इंक्लूडिंग ट्रांसमिशन ऑफ पासवर्ड इंक्रिप्टेड होता है। देयरफॉर इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर एन आउटसाइडर टू कलेक्ट पासवर्ड। नेक्स्ट है सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ कंप्यूटर नेटवर्क प्रोटोकॉल फॉर एक्सेसिंग एंड मैनेजिंग फाइल्स ऑन रिमोट फाइल सिस्टम। सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इनक्रिप्ट्स कॉमन डाटा बोथ प्रिवेंटिंग पासवर्ड एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम बीइंग ट्रांसमिटेड इन द क्लियर ओवर द नेटवर्क। नेक्स्ट है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क विद स्पेशली वाइड डिप्लॉयमेंट ऑन द इंटरनेट। The security of hypertext transfer protocols uses long-term public and secret keys to exchange a short-term session key to encrypt the data flow between client and server. Next is secure circuit layer. यह इंटरनेट पर ऑपरेटिंग दो मशीन्स के बीच में एक सिक्योर चैनल प्रोवाइड करता है। आज के इंटरनेट फोकस्ड वर्ल्ड में सिक्योर सर्किट लेयर प्रोटोकॉल तब यूज होता है जब वेब ब्राउजर को वेब सर्वर से सिक्योरली कनेक्ट करने की जरूरत होती है ओवर इनहेरेंटली इनसिक्योर इंटरनेट। एग्जाम्पल यूज टू सिक्योर ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन। आइए समझते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी टेक्निक्स। सेवरल टूल्स आर नाउ अवेलेबल टू प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम अगेंस्ट कॉम्प्रोमाइज इंट्रूजन एंड मिसयूज। फर्स्ट है फायरवॉल। फायरवॉल एक डिवाइस है जो एक सिक्योर और एक ओपन इन्वायरमेंट के बीच एक बैरियर फॉर्म करता है। When the latter environment is usually considered hostile. Next is message authentication. Message authentication यह सिक्योर करता है कि a message is really from whom it purport to be and that it has not been tampered with. नेक्स्ट है साइट ब्लॉकिंग। साइट ब्लॉकिंग सॉफ्टवेयर बेस्ड अप्रोच है जो सर्टेन वेबसाइट के एक्सेस को प्रोहिबिट करता है दैट आर डीम्ड इनअप्रोप्रिएट बाय मैनेजमेंट। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं जिसका नाम है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम टेक्नोलॉजी। इंट्रूजन एंटरिंग इनटू द प्लेस वेयर यू आर नॉट ऑथराइज्ड। आईडीएस एक डिवाइस या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो नेटवर्क या सिस्टम एक्टिविटीज को मैलिशियस एक्टिविटीज या पॉलिसी वायलेशन से मॉनिटर करता है और मैनेजमेंट स्टेशन को रिपोर्ट प्रोड्यूस करता है। दीज आर ऑफ वेरियस टाइप्स। फर्स्ट है नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन। एन आईडी इज प्लेस्ड ऑन अ नेटवर्क टू एनालाइज ट्रैफिक इन सर्च ऑफ अनवांटेड मैलिशियस इवेंट्स ऑन द वायर एंड होस्ट। एन आईडी डील्स विद डाटा ट्रांसमिटेड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट। नेक्स्ट है होस्ट बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन। HID users system activity और host पर attack को monitor, detect और respond करने के लिए designed होता है। Next है hybrid intrusion detection। Hybrid intrusion detection network और host दोनों के लिए management को alert notification offer करता है। Hybrid solution NID और HID के लिए logical complement provide करता है। Next है network node intrusion detection। NNID traditional NID में inherent flaws के कारण develop किया गया है। With NNID packet sniffer को इस तरह से position किया गया है कि यह packet को capture करे after they reach their final target, the destination host. So यह था complete concept network architecture and protocols का। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। Next वीडियो मिलेंगे नए concept के साथ। तब तक के लिए बी सेफ एंड बी केयर। गुड बाय एंड थैंक यू।